वाराणसी से आईएसआई एजेंट राशिद अहमद को गिरफ्तार किया गया है। तो यूपी एटीएस ने आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया है। एटीएस और मिलिट्री अधिसूचना इकाई ने गिरफ्तार किया है। तो एजेंट पाकिस्तान को सैन्य ठिकानों की जानकारी भेज रहा था। पाकिस्तान जाकर दो बार ट्रेनिंग भी ले चुका है राशिद। तो यूपी एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। इंटेलिजेंस से जानकारी मिली थी और उसी के बिना पर यहां इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि चंदौली के मुगल सराय का रहने वाला है आरोपी राशिद आईएसआई हैंडलर के सीधे संपर्क में था एजेंट के तौर पर। तो बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी से जहां पर आईएसआई के एक एजेंट को गिरफ्तार किया गया है और जानकारी ये कि कई खुफिया जानकारी जो है ये दिया करता था एटीएस को। इंटेलिजेंस से ये जानकारी मिली थी और इसी के बाद इस कार्रवाई को आखिरकार अंजाम दिया गया। तो सैन्य ठिकानों की जानकारी ये पाकिस्तान भेजता था। दो बार ट्रेनिंग भी पाकिस्तान जाकर राशिद अहमद ले चुका है, लेकिन अब बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे माना जा रहा है क्योंकि इसे गिरफ्तार करने के बाद अब पूछताछ की जाएगी और कई चीजें यहां पर सामने आ पाएंगी। वाराणसी से बड़ी खबर, आईएसआई एजेंट राशिद अहमद जिसे गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि चंदौली के मुगल सराय का ये रहने वाला है, आईएसआई हैंडलर के सीधे संपर्क में ये रहता था। और गगन मिश्रा हमारे साथ फिलहाल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। गगन, बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है, आईएसआई एजेंट को यहां पर गिरफ्तार किया है, और कोई जानकारी इस पूरी खबर पर? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से अभी दो दिन पहले ही डॉक्टर बम को एटीएस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद आज चंदौली निवासी राशिद अहमद को गिरफ्तार किया है जो आईएसआई एजेंट था और लगातार जो मिलिट्री बेस थे वहां की फोटो खींचकर रेकी करता था, वहां की जानकारी पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के जो आला कमान है उनको देते थे। तो बिल्कुल इसको बड़ी कामयाबी मान सकते हैं एटीएस की। लगातार जिस तरह से एटीएस काम कर रही है, जिस तरह से मॉड्यूल जो तो स्लीपिंग मॉड्यूल्स हैं आईएसआई संगठनों के, उन पर लगातार नजर रखी जा रही है और पुख्ता जानकारी होने के बाद एटीएस ने गिरफ्तारी की है। जी चलिए, धन्यवाद आपका गगन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया गया है, कई अहम सबूत भी यहां से हासिल हो सकते हैं।